क्रिप्टो करेंसी में कैसे इंडिया के करोड़ों यूजर इन्वॉल्व हो गए हैं, कैसे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इतनी पॉपुलर हो गई है, सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में यूजर इंडिया के अंदर हैं, गवर्नमेंट को अरबों रुपए का टैक्स जाता है, उन बेटिंग ऐप पर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, और ग्लोबल एक्सचेंज को रातों रात इंडिया से गायब करने की प्लानिंग कर लेती है। आज इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी की जानकारी पब्लिक को मिली कैसे, कैसे पब्लिक इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुई। आपको क्रिप्टो करेंसी की जानकारी कहां से मिली है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो में जरा सी भी जानकारी आपके काम की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी आखिर बला है क्या, कैसे ये बला इंडियन यूजर को रास आ गई और आज इंडियन यूजर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ है, कैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री में करोड़ों इंडियन यूजर इन्वॉल्व हो गए, कैसे पब्लिक इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुई। तो सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि हर किसी के पास आज स्मार्टफोन है, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 50,000 का हो, चाहे 1,00,000 का हो, और उस स्मार्टफोन में जो भी सोशल मीडिया टूल हैं उन टूल को यूज करते हैं उन पर एडवर्टाइजिंग चलाई जाती है। सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बेटिंग ऐप के आ रहे हैं, उन बेटिंग ऐप पर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है, और उन एडवर्टाइजिंग से गवर्नमेंट को अरबों रुपए का टैक्स जाता है, और उस पर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग बेटिंग ऐप के आ रहे हैं जिस पर लोग अपना पैसा लगाते हैं, कमाते हैं, गमाते हैं, ये अलग टॉपिक है, लेकिन इससे देश का भला क्या हो रहा, सिवाय नुकसान के अलावा कोई भी काम नहीं है। उन बेटिंग ऐप पर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, और ग्लोबल एक्सचेंज को रातों रात इंडिया से गायब करने की प्लानिंग कर लेती है।